कोरोना की लड़ाई में जनता का साथ प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम और जनजागृति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो आदेश लोगों को दिए जा रहे हैं, लोग उसका पालन कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र विधान परिषद के विधायक गिरीश व्यास, इनसे वॉक थ्रू करते हुए बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इन्होंने आइए डालते एक नजर। दर्शकों नमस्कार। लॉकडाउन हो चुका है पूरा देश, देश के साथ में पूरे शहर और शहरों के साथ में हर उस परिसर। इस समय में हमारे साथ में महाराष्ट्र विधान परिषद के विधायक सदस्य गिरीश व्यास जी है, आइए उनसे जाना जाएंगे। व्यास साहब, ये बताए कि जिस तरह से नागपुर शहर में जो लॉकडाउन किया गया, आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा सा छाया हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण है। माननीय मोदी जी के कहने पर और प्रशासन के आह्वान पर सारी जनता ने बड़ा 100% लॉकडाउन को समर्थन दिया है। और ये केवल एक दिन का लॉकडाउन नहीं है, इनके संयम को भी प्रणाम करना चाहिए जनता के, कि लगातार इसको वो संभाल रहे हैं और गत अनेक दिनों से और अगले अनेक दिनों तक इस लॉकडाउन के अंदर वो अपना सहयोग दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनके संयम का अभिनंदन करना चाहिए। लॉकडाउन ये 100% सफल हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर, कुछ लोग ऐसे भी है, जैसे आप 100% कहते हो, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमें अक्सर ये देखा गया है कि 95% लोग घरों में हैं, मगर 5% ऐसे है कि जो तमाशबीन, तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो लोग अक्सर दिखाई देते हैं। देखिए, ऐसा है कि इतना होने के बावजूद भी कई बार हम देखते हैं कि लोगों को एक उत्सुकता होती है। तो बताइए कि लोग अभी भी जो लॉकडाउन जो हो चुका है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन को सफलता मिली है, 100% लॉकडाउन यहाँ पर है, ये मैं कह सकता हूँ। केवल नागपुर नहीं तो पूरा देश लॉकडाउन में, कुछ जगह पर ऐसे हैं, कुछ शहरों में कि इस प्रकार की सुविधा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और लोग लॉकडाउन को मान नहीं रहे कई जगहों पर उसको प्रशासन ने बहुत निमंत्रित किया है। और मुझे लगता है कि 130 करोड़ वाले देश में अगर ऐसी एक दो छुटपुट घटनाएं अगर कहीं होती हैं तो ये थोड़ी सी अड़चन का विषय, पर उस पर भी संभाल किया जा सकता है। और गाँव तक बंद है, बस्तियाँ बंद है, लोग अपने घरों में कैद हैं और 95% के ऊपर लोगों ने इसको पालन किया है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और निश्चित रूप से उनके संयम को, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और आगे काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, इन दोनों प्रसंगों पर मैं जनता का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मोदी जी के कहने पर, देश के पंत प्रधान के कहने पर इस प्रकार के लॉकडाउन को स्वीकार किया, उसको समर्थन दिया है। ये अभूतपूर्व मिसाल उन्होंने कायम की है। अव्यास साहब, ये बताए कि आप पोतारेश्वर राम मंदिर के बतौर एक बहुत बड़े पदाधिकारी हो, लेकिन इस समय भी जैसे कि शोभा यात्रा नहीं निकली, लेकिन लोग जो है वंदन करते हुए नजर आए, इस बारे में क्या जानकारी दोगे? क्या भगवान को भी कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं अपने आगोश में लेने की कोशिश की है? देखिए, ऐसा नहीं है, भगवान अपनी जगह पर है, घरों में भी है, और हम तो कहते हैं कि कण कण में भगवान, हर एक व्यक्ति के अंदर में भगवान है, मंदिर तो है केवल उसके माध्यम है। और अगर ऐसे इसमें भगवान को हमने रखा है तो वहाँ पर पूजा अर्चा जो दैनिक है वो तो चल ही रहा है, पर इसके बावजूद भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो कार्यकर्ता उस सेवाओं के अंदर लगे हैं, और मंदिरों ने बंद रखना ये निश्चित रूप से एक संस्कार का भाग है। जब देश आपत्ति में हो, देश विपत्ति में हो, तो लोगों का इस प्रकार का निर्णय करना बहुत अभिनंदनीय है और वो हो रहा है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर विहार, वो तो कतई बंद हो, पूरी तरह से बंद दिखाई देते, लेकिन जहां मैं मरकज की बात करना चाहूंगा, मरकज में जिस तरह से कोरोना वायरस का जो फैला हुआ है, क्या आपको लगता है मरकज को लेकर? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस प्रकार से तबलीग ने इस बारे में विचार करना चाहे तो उन्होंने नहीं किया है, शायद वो अपने किसी और बात में मशगूल होंगे, पर ये देश के लिए अत्यंत एक घृणित प्रकार उन्होंने किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि आज जब हम बड़े हुए आंकड़े देखते हैं तो बड़े हुए आंकड़े प्रशासन के मुंह पर एक प्रकार का तमाचा है कि ये तमाचा जानबूझ के मारा गया है, और इसके लिए वो जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब एक प्रकार से पूरा देश लॉकडाउन में, देश में कर्फ्यू है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर हमने की है, हमारे प्रशासन ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, तो वो करना चाहिए, वो अभी तक नहीं की है, तो उसका विचार निश्चित रूप से हम लोगों ने करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके कारण काफ़ी लोग बड़े हैं और इसको निश्चित रूप से सरकार उसके ऊपर नियंत्रण कर रही है। बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है। सर, एक सवाल मेरा ये था आखिरी का कि जिस प्रकार से लोग देते, स्वयंसेवी संस्थाएं जो है बड़े पैमाने पर राशन बांट रही है, खाना अनाज बांट रही है, क्या कहना चाहूँगी, ये देशभक्ति क्या आपने भी की है? देखिए, मैं नहीं, ये कोई प्रसिद्धि का विषय नहीं, पर और भी देश के कई लोग, अनेक संस्थाएँ, प्रत्येक राजनीतिक पार्टियाँ इस प्रकार के अपनी सेवा के अंदर व्यस्त हैं।
अनेक संस्थाएं, मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, बुद्ध विहार हों, ये सारे लोग अपनी सेवा के लिए समर्पित हैं, वो सेवा कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से एक अभिनंदनीय प्रकार है, देश सब संकट की घड़ी में हो तो उसकी मदद करना, आम आदमी की मदद करना, निराधारों को आश्रय देना, निराधारों को भोजन देना, भूखे को भोजन देना, ये तो संस्कार में दिया है। और वो लोग अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग इस काम के अंदर बड़े प्रभावी ढंग से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए अभिनंदन है, वंदन है। बस आखिरी का सवाल ये बता कि कोरोना को लेकर जो लोग अभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते हुए नजर आएंगे, ऐसे लोगों के लिए INBCN के इस मंच से क्या मैसेज देना चाहोगे भाई साहब? देखिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए ये जरूरी है कि आप स्वयं अपने आप को क्वारंटाइन करें, अपने घर की सुरक्षा करें। और प्रशासन ने और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, कोरोना को परास्त करना अगर देश का एक राष्ट्रीय मिशन है, तो मुझे लगता है इसके अंदर हमने सहकार्य करना चाहिए। और ये अगर नहीं करेंगे तो उनकी खुद की अड़चन यहाँ पर होगी, और ये फिर जब चेन बनेगी तो चेन नियंत्रण के बाहर की जाएगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने आप को क्वारंटाइन करें और बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें निर्णय करें, ये मेरी सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बिल्कुल, इस तरह से प्रार्थना की है विधायक गिरीश शाह सिन्हा ने, लोगों ने खुद को क्वारंटाइन करना चाहिए। और जिस प्रकार से देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जो आदेश दिए उसके ऊपर में अमल हो, चाहे फिर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हो, उन्होंने भी जो आदेश दिए उसका भी अमल हो। और इतना ही नहीं, तो लोगों ने खुद ब खुद समझना चाहिए कि कोरोना वायरस को यदि हमें दूर भगाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग ये रखना ही होगा। नागपुर के पंडित बच्चराज व्यास चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।